जब तो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे तो सवाल उठा कि क्या पार्टियों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है इस पर आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक अठहत्तर फीसदी लोगों को लगता है कि बिल्कुल भरोसा नहीं है ऐसे हालात में आगे की तस्वीर का कर, रुख करना जरूरी है खंडेला साहब आपसे जानना चाहूंगा कल कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी कल बीजेपी प्रशिक्षण भी देगी क्या कुछ सूरत हाल होंगे हमारे सामने देखिए बात मैं बता दूं आपको पहले कांग्रेस को प्रत्याशी अपना नहीं मिल रहा था फोखड़ का प्रत्याशी मिल गया और वो कल बैठक होगी लेकिन बैठक के बाद में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये बैठक चलो इसलिए हो रही है टूडी जी ने ये कहा था विधायक दल की बैठक में निर्णय होना चाहिए चलो निर्णय हो जाएगा एक बात लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी का जो कुछ है वो चारों प्रत्याशी जीतेंगे बिल्कुल ठीक बात है लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कोई एक या दो वोट किसी न किसी कारण से इधर उधर होते हैं क्या हाँ होंगे कांग्रेस के वोट ज्यादा टूटेंगे क्यों क्योंकि इकतालीस जो वोट है हर प्रत्याशी को मिलना चाहिए उसमें यही आशंका है आप भारी आशंका नहीं कि दल बदल लेंगे लेकिन वो रद्द हो गया ये हो गया वो इसलिए एक दो जान कर ऐसा किया जाएगा आपका आ, ये, ये है? किया जाएगा जाएगा आपका कहना है। और तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि आखिर जो कुछ टूटन है ना वो केवल जो कुछ होनी है ज्यादा वो कांग्रेस में होनी है और वो क्या होगी कि अगर दो वोट भी टूट गए तब भी टूटन होनी है और छह वोट टूट गए तब भी टूटन होनी क्योंकि यहां लड़ाई नेताओं की है यहां जीतने की लड़ाई नहीं है यहां केवल अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और अंतिम बात अंतिम बात में अगर कुदाना खास था जिसकी संभावना मैं एक प्रश्न मानता हूं अगर एक प्रत्याशी बीजेपी का जीत गया तो पूरी बीजेपी के जो राजनीति में कोरा मच जाएगा और सारा वसुंधरा जी के

और कांग्रेस में इस तरह की कोई बात नहीं है कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट एकजुटे हाईकमान का जो निर्देश है उसके अनुसार कांग्रेस के विधायक वोटिंग करेंगे किसी प्रकार की मतलब किसी तरह की देने को देने को के लिए नहीं, किसी तरह की कोई संदेह नहीं है कांग्रेस के पूरे एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ जिस दिन मोरार का जी ने नामांकन दाखिल किया उस दिन कांग्रेस के प्रस्तावक विधायकों ने इस बात का भी दावा किया कि हम बाकी निर्दलीय पार्टी या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास करेंगे क्या काफी और आ, काफी हमको उसमें कामयाबी मिली है और सब लोग हम एकजुट है किसी तरह का कोई अंतरवरोध नहीं है किसी तरह की कोई वो नहीं है न फूट है सारे कांग्रेस के चौबीस विधायक एक साथ मोरारका जी को वोट करेंगे चलिए रिचपाल कविया साहब आपका भी रुख करता हूँ दो तीन पाँच जो भी है संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन क्या बीजेपी के क्रॉस वोटिंग के जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी विधायकों को लेकर या फिर समर्थित विधायकों को लेकर उस दावे को खोखला ग्यारह तारीख को साबित पार्टी की ओर से किया जाएगा ये समझ लें हम भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई टूटन नहीं होने वाली मैं आपको आज बता रहा हूं ग्यारह तारीख को मैं कह रहा हूं आपको विधानसभा में वहां मिलूंगा मैं और लड्डू खिलाए जाएंगे आपको जीत के और असल बात एक और बता दूं देखिए मैं ये चुनाव बड़ा टेक्निकल है इसमें सिर्फ सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट ही नहीं काम करते आपको याद दिलाऊं उन्नीस सौ के राज्यसभा चुनाव में सुंदर सिंह जी भंडारी हाइएस्ट वोटों उन्होंने जीते और शिवचरण सिंह जी गुजर करोली वाले

बिल्कुल रोचक है रोचक तो उसी दिन हो गया जिस दिन मुरारका जी ने नॉमिनेशन भरा देखिए चुनाव बिल्कुल सीधा साधा था और बीजेपी को भी लग रहा था सभी लोग मान रहे थे कि कुछ होना नहीं है जिस दिन मुरारका जी ने एंट्री ली उसी दिन से मामला रोचक हो गया और अब रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो खैर ग्यारह तारीख को पता चलेगा मुझे कोई बहुत बड़े उलटफेर की संभावना ज़्यादा नहीं, नहीं दिख रही है लेकिन मुकाबला रोचक हो गया और जितने भी वोट मुरारका जी लेके जाएंगे किसके लेके जाते हैं ये देखने वाली बात होगी हो और कांग्रेस में जो कल बैठक होने वाली है आपको ध्यान हो तो ये जिस दिन डोमिनेशन हुआ था मुरारका जी का उस दिन भी कांग्रेस में असहमति के स्वर आ गए थे कि साहब हमसे पूछा नहीं आपने पहले ही समर्थन की घोषणा कर दी फिर डूडी जी को कहना पड़ा कि जिन विधायकों ने प्रस्तावक बने हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से प्रस्तावक बन गए तो ये स्थिति कल की बैठक में क्या रहने वाली है इस पर भी देखने वाली होगा मुरारका जी को वोट किसके मिलते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चलिए चलिए ये पहलू होगा इस पर भी गौर करेंगे और कोशिश करेंगे हर अपडेट आप तक पहुंचाए फिलहाल इस डिबेट में इतना ही सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि दिन सभी के लिए आने वाला आज से बेहतर साबित हो